हे गाइस, यार आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज ना मैं पूरा दिन सिर्फ पास्ता खाने वाला हूँ। ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग पास्ता फैन वैसे, बट ये आपसे किसने कहा कि यार हम वो नॉर्मल वाले पास्ता खाने वाले हैं। गाइस, टुडे आई एम गोना ईट किलर पास्ता फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। यार क्या लग रहे हो भाई। गाइस, ब्रेकफास्ट में है बेक्ड बीन मैक एंड चीज, और इसके ऊपर यार इन्होंने दो बड़े क्यूट से ऑलिव सजा के भेजे हैं। भाई इसके शशके चेकआउट करो पहले तो। और रे 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 यार, यार मैंने मैक एंड चीज कभी खाया नहीं है। ऑल दो हाँ, वो मैंने मसालेदार मैक्रोनियां बना बना के बहुत खाई हैं घर पे, बट मैक एंड चीज के शशके कुछ अलग ही हैं यार। और इसको इन्होंने टॉप किया है बहुत सारे बीन्स के साथ। एंड ओए होए होए, क्या फ्रेग्रेंस आ रही है यार इसके अंदर से। यार बाय द वे, इन्होंने बड़े मस्त से कंटेनर में भेजा है और पक्का पक्का पता चल रहा है इन्होंने इसके अंदर पहले मतलब चीज वगैरह सब कुछ डाला है, और फिर इसको इन्होंने बेक होने के लिए सीधा ओवन में डाला है। एंड इसको एक बढ़िया सी पैकिंग करके इन्होंने मुझे भेजा है। यार एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर से, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बीन्स यूज़ किए हैं ना भाई, मैं क्या बताऊँ। और साथ में जो इसके अंदर इन्होंने सॉस डाली है अपनी, ओए होए यार क्या स्मूथ है यार ये सॉस। यार मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरा ब्रेकफास्ट भी इतना बढ़िया होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट बाइट, बस यार मैं इसके साथ में वो गार्लिक ब्रेड मिस कर रहा हूँ, बाकी तो यार मजा आ गया। यार ये जो मैंने मैक एंड चीज खाया, इसका प्राइस था अराउंड 200 रुपीज, एंड 200 रुपए के लिए ये क्वांटिटी थोड़ी सी मुझे कम लगी। अगर आपने यार कभी बेक बीन मैक एंड चीज नहीं खाया तो क्या कर रहे हो यार, खाओ यार, इतने बढ़िया टेस्ट को मिस आउट मत करो। अब यार मैं चला रेडी होने, क्योंकि लंच में भी तो किलर पास्ता खाना है आज। गाइस रेडी होते हुए, आई जस्ट कांट फॉरगेट टू यूज फाई एक्ने फाइटिंग फेस वॉश, बिकॉज इट इज इंफ्यूज्ड विद लेमन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, एंड इट वाइप्स आउट ऑल द डर्ट एंड ऑयल फ्रॉम माय स्किन विदाउट इवन ट्राइंग इट। ऑसम प्रोडक्ट। एक सेकेंड यार, ये फाई का माउंटेन रेन बॉडी मिस्ट यूज करना मैं बिल्कुल नहीं भूलता। पहली बात तो यार ये बहुत हैंडी है, ये मेरी पॉकेट में भी फिट आ जाता है। दूसरी बात, दिस गिव्स मी इंस्टेंट बर्स्ट ऑफ फ्रेग्रेंस, आई लव इट। बॉयज, बाल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई यूज हेड स्पेस क्रीम वैक्स। एक तो यार ये मेरे बालों को सेट कर देते हैं, ऊपर से दे कीप माय हेयर्स कंडीशन एंड सिल्की ऑल डे। नीचे दिए हुए कोड को यूज करके यू कैन अवेल 20% डिस्काउंट ऑन ऑल द 5 प्रोडक्ट्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, पैम्पर योरसेल्फ एंड नाउ वी कैन ईट। हे गाइस, लंच एनीवन? लंच में मेरे पास है स्पिनच एंड रिकोटो कैलोलोनी पास्ता। आई डोंट नो कि मैं इसे ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, तो ये चीज़ मुझे कहीं से पास्ता लग नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मुझे 4 रोल्स दे दिए और इसके अंदर स्पिनच डाल के मुझे सर्व कर दिया है, और इन्होंने सर्व किया है कोई टमेटो सॉस पे अपनी। कंसेप्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। वेल लेट्स टेक राइट इनटू इट। ओके यार, इस पे ना इन्होंने मस्त वाला चीज़ डाला हुआ है और फिर इन्होंने उसको बेक किया हुआ है। यार इस कैनोली पास्ता के ऊपर मैं इनकी टमेटो सॉस को पहले ढंग से लगा दूं। ऐसा लग रहा है यार मैं किसी मास्टर शेफ शो में आया हूं और वहां पे मुझे डिश मिली है। इससे पहले मैंने इस पास्ता के बारे में कभी सुना भी नहीं था। वेल एंड बाय द वे गाइस, दिस इज स्पिनच एंड रिकोटो। रिकोटो यार चीज़ होता है, और स्पिनच तो आपको पता ही है, पोपॉय द सेलरमैन।
jokes. Interesting taste. मतलब यार इसका सीन कैसे बताऊं यार, एक तो जैसे ही मैं इसकी बाइट ले रहा हूँ ना, वाइब आ रही है पूरा पास्ता वाली, ऐसा नहीं है कि पास्ता वाली वाइब नहीं आ रही, बट द थिंग इज ये जो इन्होंने टमेटो सॉस डाली है दैट इज टैंगी, बट अंदर का जो सारा माल है ना, अंदर जो स्पिनिच और अंदर इन्होंने जो चीज डाला हुआ है दैट इज वेरी स्मूथ, बट एट द एंड वो यार ये टमेटो केचप अपना टैंगी वाला फ्लेवर दे जाती है, बड़ा यूनिक सा फ्लेवर है इसका। यार इन्होंने जो टमेटो सॉस डाली है दैट इज नेसेसरी, क्योंकि टमेटो सॉस इस पास्ता को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इन शॉर्ट दिस इज 4/5 फॉर मी। गाइज द पास्ता वाज सुपर ऑसम। मैंने पहली बार एक कलोनी पास्ता खाया, खेलेलोनी वट एवर इट इज, मैंने फर्स्ट टाइम खाया एंड इट वाज डिलीशियस। और यार दूसरी बात, नाउ आई हैव टू गेट सम वर्क डन, फिर चलते हैं शाम को पास्ता डाउन टू हैव द थर्ड किलर पास्ता ऑफ द डे। गाइज यार काम करके जो सेटिस्फैक्शन आती है ना, ओए होए, अब मेरा डबल मन कर रहा है और पास्ता खाने का। और यार मैं पास्ता ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ। यार मैंने ऑर्डर तो किया है नाचोस कॉर्न पास्ता, मुझे लगा था यार इसके शशके एकदम अलग से होंगे, मतलब कुछ, क्योंकि मुझे कॉर्न और नाचोस का समथिंग कुछ लग रहा था कि भाई कुछ अलग नया बना के देंगे, बट यार इसका सीन कुछ ऐसा है, इन्होंने मिक्स सॉस पास्ता बनाया, उसके ऊपर बस सिंपली इन्होंने नाचोस लगाए और मुझे सर्व कर दिया। तो यार ये मैं किलर पास्ता तो नहीं कहूँगा, ये यार ये नॉर्मल पास्ता ही है। अब यार ऑर्डर हो ही गया है तो अब खा लेते हैं ना, अब इतने नखरे भी नहीं करने चाहिए। यार वेजीज के नाम पे इसके अंदर थोड़े से कैप्सिकम है और बहुत सारा कॉर्न है, और इनकी जो सॉस है वो तो है ही है, इन्होंने सॉस के अंदर चीज़ भी डाला है और इसके अंदर नाचोस डाले हैं, और यार बड़े सारे इन्होंने भाई मसाले डाले हैं। यार सच बात बताऊं, पास्ता के साथ नाचोस बहुत अच्छा जा रहे हैं भाई, मतलब दे आर टोटली अलाइनिंग विद ईच अदर। और यार ये किलर पास्ता होना हो पर इसका स्वाद बहुत अच्छा है, दिस इज टोटल देसी पास्ता, एकदम मसालेदार। वैसे यार अगर मैं बाई चांस कभी पास्ता खाऊं तो ऐसा ही पास्ता खाना प्रेफर करता हूं। मुझे यार आज पास्ता की यूनिक वेराइटी खानी थी, बट यहाँ मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, ऑल्दो फ्लेवर वाइज दिस इज ऑसम। गाइज लास्ट बाइट, मेरा पेट सच में बहुत भर गया, और दूसरी बात यार ये पास्ता बहुत ज्यादा फुलफिलिंग है। हाँ तो भैया पास्ता सीन अभी के लिए थोड़ा रोक देते हैं, अब मैं मिलूंगा आपसे एट द डिनर टाइम। डिनर एकदम रेडी है और डिनर में हमारे पास पास्ता। यार अब कौन सा पास्ता है उसके लिए मुझे थोड़ा फोन निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिस पास्ता इज कॉल्ड रोस्टेड पम्पकिन टॉर्टेलिनी पास्ता। टॉर्टेलिनी पास्ता क्या होता है, कैसा होता है मुझे नहीं पता, बस ये मैंने ऑर्डर कर दिया और जो जोमेटो में डिस्क्रिप्शन आती है उसमें लिखा हुआ है हैंडमेड टॉर्टेलिनी स्टफ्ड विद रोस्टेड पम्पकिन इन अ सेज एंड बटर सॉस। ओहो अच्छा, अब इसके शशके चेकआउट करते हैं। आई थिंक ये यार ये गार्लिक ब्रेड होगी। ओह ये, चेक दीज आउट। ओहो भाई साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टॉर्टेलिनी पास्ता, टॉर्टेलिनी था ना, कौन सा था। ओके भाई, इसमें पहले तो ये बताओ कि रोस्टेड क्या है, मतलब इसके अंदर से वाइब ऐसी आ रही है, इन्होंने व्हाइट सॉस के अंदर वॉन्गटन्स डाल के मुझे सर्व कर दिया है। वेट, ऑलराइट गाइस ये चेकआउट करो, लग नहीं रहा भाई वॉन्गटन्स। ओहो भाई ये बड़ी चीजी किस्म की सॉस है,
और भाई साहब फ्रेग्रेंस तो बड़ी अच्छी आ रही है। दिस इज वो पास्ता वाली व्हाइट सॉस और यार ये बहुत ज्यादा सूदिंग है। और इन्होंने इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 टॉर्टेलिनी दिए है। यार एक बार जरा मैं गूगल करूं ये टॉर्टेलिनी है क्या चीज। यार टॉर्टेलिनी आर रिंग शेप पास्ता ओरिजिनली फ्रॉम इटालियन रीजन ऑफ एमिलिया। यार ये होती है ना बात, यार ये सब खाने के लिए तो मैं चैलेंज कर रहा था, मुझे लिटरली मैं बोर हो चुका था नॉर्मल पास्ता खा खा के, ऐसे नए यूनिक किलर पास्ता ही तो मुझे खाने थे। यही तो फायदा होता है मेरे 24 आवर्स चैलेंज का। अब भाई ये टॉर्टेलिनी पास्ता मुझे टेस्ट करना है। पहले तो यार मुझे ना इसकी फिलिंग आपको दिखानी है, बट मैं ना अपने हाथ गंदे नहीं करने वाला। यार एक्चुअली मैंने एक बाइट ले ली है, इसके अंदर से वो पम्पकिन वाला थोड़ा फ्लेवर आ तो रहा है बट मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर इस क्रीम का आ रहा है। इसकी यार फिलिंग चेकआउट करो, इसके अंदर यार इन्होंने रोस्टेड पम्पकिन डाला हुआ है। एंड भाई मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर वैसे रोस्टेड पम्पकिन की सब्जी इन्होंने डाली हुई है और वो सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। एंड दीज आर एक्चुअली दी मोमोस पास्ता, मतलब मेरी लैंग्वेज में इसे मोमो पास्ता बोलूंगा और ये लग भी वही रहे हैं। पर भाई कुछ भी कह लो, कैसे मर्जी जज कर लो, यार ये खाने में तो बहुत बढ़िया है। यार ये सारी सॉस बच गई है और एक टॉर्टेलिनी पास्ता बच गया है और ये तो मैंने खत्म कर ही दिया। अब मुझसे और नहीं खाया जा रहा भाई, आई एम सो फुल राइट नाउ। एंड बड़ा मजे का दिन था यार आज, क्या पास्ता खाए भाई हमने। आपने खाया कभी ऐसे पास्ते? नहीं ना। तो क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन में सारे पास्तास की लोकेशन के लिंक हैं। अब आप भी जाओ भाई, मजे करो, एंजॉय, हैव फन। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर ही दो यार। अब एक बटन दबा रहे, एक और दबा दो, क्या चाहता है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस किलर पास्ता वीडियो। एंड आपका पता नहीं मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक इट इजी एंड हैप्पी ईटिंग।